दोस्तों टीम इंडिया के साथ फिर हुआ बेईमानी और बेईमानी करके ऑस्ट्रेलिया ने जीता सुपर 8 का महामुकाबला। दोस्तों एम्पायर ने फिर एक बार टीम इंडिया के साथ कर दिया बड़ा धोखा। दोस्तों अगर आप भी देखना चाहते हो आखिरकार क्या है खबर की पूरी जानकारी और आप ये भी चाहते हो कि इस बार की T20 वर्ल्ड कप 24 का खिताब टीम इंडिया जीते तो इस वीडियो को एक लाइक करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, नोटिफिकेशन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूले। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है T20 वर्ल्ड कप 24 अपनी अंतिम चरण पर है और इस समय सेमीफाइनल की रेस में सभी टीमें अपनी जान झोंक दी है, जिसमें आज टीम इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में सुपर 8 का महामुकाबला खेला गया, जिसमें ऑस्ट्रेलिया की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए पूरे 20 ओवर का सामना करते हुए 182 रन का पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा कर दिया 7 विकेट खोने के बाद, जिसमें सबसे ज्यादा ट्रेविस हेड ने 62 रन की ताबड़तोड़ पारी खेली तो वही डेविड वार्नर ने 32 रन का योगदान दिया और वही मार्क स्टोइनिस ने 56 रन की ताबड़तोड़ पारी खेली, जिसमें भारत की ओर से सबसे घातक गेंदबाजी करते हुए जसप्रीत बुमराह ने 4 विकेट तो वही कुलदीप यादव ने 3 विकेट चटका दिए, जिसके जवाब में इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम की ओर से रोहित शर्मा के साथ युवा बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल, जिसमें भारत की ओर से सबसे ज्यादा एक बार फिर सूर्य कुमार यादव ने 72 रन की ताबड़तोड़ पारी खेल डाली तो ही रोहित शर्मा ने 41 रन बनाए और ऋषभ पंत ने 22 रन का योगदान दिया। दोस्तों ये वक्त उस वक्त का है जब विराट कोहली बैटिंग कर रहे थे और पैट कमिंस गेंदबाजी कर रहे थे, उसी दौरान एक गेंद पैट कमिंस ने फेंकी तो उस बॉल पर विराट कोहली छक्का लगाने के चक्कर में कैच आउट हो गए, लेकिन देखा गया तो वो बॉल नो बॉल थी, लेकिन एम्पायर ने उस बॉल को नो बॉल नहीं दी और इस तरीके से टीम इंडिया इस मुकाबले को 12 रन से हार जाती है।